समस्त मोर आंतरिक नमस्कार आपण प्रत्येक मोर आउ एक भिडियो को स्वागत करुअ आज बाइबल इतिहास अनुसार यहूदा और इस्राएल राजागण विषय आलोचना करिबा प्राय ख्रीष्टपूर्व 1051 रे एब्रियो शासन पद्धतिर मूलद्वा स्थापित होता प्रथम तीन राजा साउल दाऊद एवं सलमन समुदाय बार गोष्ठी उपरे राजत्व करुथिले सलमन को पुत्र रिहोबियाम को कठोर शासन फलरे प्राय ख्रीष्टपूर्व 931 रे जारोबियाम को नेतृत्व रे उत्तरांचल गोष्ठीगण विद्रोह कले एहा फलरे समग्र इस्राएल विभाजित होई दुईटी राज्य रे उत्तरांचल और दक्षिणांचल विभक्त हला उत्तरांचल इस्राएल नाम रे और दक्षिणांचल यहूदा नाम रे परिचित हला इस्राएल राजधानी हला समरिया यहूदार राजधानी हला जेरुसलम ख्रीष्टपूर्व 722 रे असुरिय सैन्य बाहिनी इस्राएल राजधानी समरिया को ध्वंस कले एवं अनेक लोकंकु असुर देश को बंदी करी नहीं गले धार्मिक राजा मान को शासन हेतु दक्षिणांचल यहूदा तार राजधानी जेरुसलम सह ख्रीष्टपूर्व 586 पर्यंत तिष्ठि रही पारिथिला तापर जेरुसलम मध्य बाबिलिय मानंक द्वारा ध्वंस प्राप्त होइथिला सबठारु उल्लेखनीय विषय होउछि राजा दाऊदंक प्रति नाथनक उक्त भाववाणी द्वितीय सामुएल 7 पर्व 4 पद रु 17 पद एही पद अनुजाई यहूदार इतिहास रे सब समय पई दाऊदंक वंश हव केही ना केही राज सिंहासन को अलंकृत करथिले इस्राएल राज सिंहासन राजा माता अथलियांक द्वारा अधिकृत होइथिला सेथिले एक इस्राएलिय महिला किंतु से यहूदार राजा जिहोशाफाटक पुत्र जिहोराम मृत्यु परे दाऊद वंशर उत्तराधिकारी मानंकु हत्या करी 7 वर्ष पर्यंत यहूदार सिंहासन निज अधिकार रखिथिले किंतु यहूदार लोक माने विद्रोह करी तांको हत्या कले एवं दाऊद वंशज अहसियंक 7 वर्षर जीवित पुत्र जोयासंकु सिंहासन रे अधिष्ठित करथिले तांको अथलिया हत्या करिया को समर्थ होइ नथिले कारण तांको गोपन रे रखा जाइथिला किंतु उत्तरांचल इस्राएल रे कौनसी गुटे निर्दिष्ट राजवंश शासन करिबा परिवर्तन विभिन्न समय रे भिन्न भिन्न 9टी परिवार इस्राएल रो राजा सिंहासन अधिकार करथिले एई परि हेबार कारण थिला सेठारे सब बेले राजद्रोह ओ गुप्त हत्या लागि रहिथिला प्रभु आपण मान प्रत्येक आशीर्वाद करन पुणी थर देखा हम आपण सहित आउ एक भिडियो रे आउ एक अध्याय रे समस्त मोर आंतरिक नमस्कार।